हेलो स्टूडेंट्स, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बिहेवियर ऑफ गैसेस और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करेंगे। तो गैसेस जब वेरी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे जब रहता है तो वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन फॉलो करता है जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, राइट? पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब कितना हाई टेम्परेचर, कितना लो प्रेशर, क्या क्यू, राइट? तो देखो, अगर वाटर का एग्जांपल लो तो वाटर का जो स्टीम है, वाटर वेपर गैस है, राइट? लेकिन वो 100 डिग्री के आसपास आके क्या होगा, राइट? 100 डिग्री पे वो वापस वाटर बनना शुरू हो जाएगा, राइट? तो हम लोग 101, 102, 105 डिग्री टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे जहां पे ये वाटर वेपर ये इक्वेशन फॉलो करेगा। ये इक्वेशन फॉलो करेगा काफी हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि कैसे होगा ना, अराउंड 100 डिग्री वो वाटर बनने की तैयारी करेगा, उसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस थोड़ा कम रहेगा, उनके फोर्सेस सिग्निफिकेंट रहेंगे। और हम आइडियल गैस कब बोल के चलते हैं, जब उनके बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो जीरो है ही नहीं, काफी ज्यादा इंटर एटोमिक डिस्टेंसेस होने चाहिए। तो वेरी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ऐसी कुछ सिचुएशंस बनेगी, उसमें वो पीवी इक्वल टू एनआरटी म्यू आरटी, व्हिच इज नंबर, म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स, या फिर पीवी इक्वल टू केवीएनटी, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, राइट? म्यू नंबर ऑफ मोल है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये पता है हमको, राइट? ये पता है हमको। देखो, इसमें आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो, पीवी इक्वल टू के बी एन टी जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे है, राइट? मॉलिक्यूलर लेवल पे है, और पीवी इक्वल टू म्यू आर टी जो है वो मोल लेवल पे है। नंबर ऑफ मोल अगर दिया तो वो करेंगे, और मॉलिक्यूल की बात चल रही है तो KBNT यूज करेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला यूज करेंगे, राइट? यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि KB जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का इक्विवेलेंट है, अगर मैं एक मॉलिक्यूल पकड़ू तो। बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते हो, ऐसे ही कुछ है, राइट? ऐसे ही कुछ है, ठीक है? तो ये तो सिंपल आपको पता था ये, राइट? नथिंग न्यू हियर, राइट? अभी एवोगाड्रोस लॉ क्या है? एवोगाड्रोस ने क्या बोला था कि एक सेम प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन अगर है, मैं अलग अलग गैस लू, हाइड्रोजन लू, ऑक्सीजन लू, दोनों को सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर रखा है, तो एट इक्वल वॉल्यूम दे विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी सेम टेम्परेचर प्रेशर पे मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो रखा है, लेकिन अभी उनको सेम वॉल्यूम में रखता हूं, दोनों एक एक मीटर क्यूब के सेम वॉल्यूम के डब्बे बनाए और दोनों में, दोनों सेम प्रेशर टेम्परेचर पे मेंटेन करके उनमें वो, एक में हाइड्रोजन डाला, एक में ऑक्सीजन डाला, दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ऐसा बोला। अभी ये जो ऊपर हमने आइडियल गैस इक्वेशन बनाया उससे देखना काफी इजी हो जाता है, राइट? तो अगर पीवी अपॉन एनटी कर दूं मैं इक्वल टू केबी, पीवी इक्वल टू केबी एनटी को रीअरेंज करूं, राइट? तो मैंने बोला प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो वी बाय एन भी सेम हो गया, और वी भी सेम है तो एन, तो एन इक्वल टू क्या हो गया, राइट? देखो ऐसा, PV इक्वल टू KBNT, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया, PV अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट इंटू दिस N, राइट? प्रोपोर्शनल टू कर देते हैं, चलो कॉन्स्टेंट इंटू N ही करते हैं, कॉन्स्टेंट इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? तो अगर PV, P और V और T तीनों सेम है, मैंने क्या बोला, सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पे इक्वल वॉल्यूम विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये इक्वल है, दो डब्बे लिए, एक में ऑक्सीजन डाला, एक में हाइड्रोजन डाला, ये तीनों सेम है उनके लिए, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होने चाहिए, राइट? इससे भी तो पता चलता है अपना एवोगाड्रोस लॉ, इससे भी देख सकते हो आप, राइट? और फिर इसी को लेके भाई ठीक है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ठीक है, फिर हमने एक नई चीज डिफाइन कर ली, 22.4 लीटर का अगर वॉल्यूम है गैस का, राइट? तो उसमें इक्वल इक्वल प्रेशर और इक्वल टेम्परेचर पे अगर है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, वन मोल मॉलिक्यूल डिफाइन कर दिया हमने, वो एवोगाड्रोस नंबर हो गया 6.023 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स, राइट? ठीक है, फिर आइडियल गैस क्या है, जो जो साधारण से, राइट, एट ऑल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, एट ऑल टेम्परेचर प्रेशर पे अगर कोई गैस ये दो इक्वेशंस फॉलो करता है तो वो आइडियल गैस, उसको आइडियल गैस बोलेंगे, ठीक है? कुछ नहीं, लाइक आई थिंक आपको थोड़ा बहुत पता है ये सब सारी चीजें ऑलरेडी, राइट? पहले के चैप्टर से, आपके 10वीं से। बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल ने ऑब्जर्व किया था कि अगर मैं टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखू,
तो प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम कम हो जाएगा, बराबर है। कंप्रेस किया, प्रेशर बढ़ा दिया वॉल्यूम कम हो गया, एक्सपांड किया है ना वॉल्यूम बढ़ गया प्रेशर कम हो गया, तो कॉमन सेंस है। तो पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी दो, फिर से अगर दो गैस लो तो, और दोनों को अगर सेम टेम्प, एक मान लो एक डब्बे में रखा मैंने हाइड्रोजन और एक डब्बे में ऑक्सीजन रखा, दोनों का टेम्परेचर सेम है, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो उनका वॉल्यूम और प्रेशर का मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन को बड़े वाले डब्बे में रखा है तो उसका प्रेशर कम रहेगा, और इसको छोटे डब्बे में रखा है तो इसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, ताकि उनकी मल्टीप्लीकेशन सेम हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। वो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है। मैंने दो अलग अलग डब्बे लिए, एक डब्बे में भी हो सकता है अलग अलग सिचुएशन पे। मान लो पिस्टन और सिलेंडर वाला केस है, राइट, पहले वॉल्यूम ज्यादा था प्रेशर कम था, मैंने पिस्टन को दबाया उसका वॉल्यूम कम कर दिया प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उनका मल्टीप्लीकेशन बिफोर आफ्टर सेम होना है ना, बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दू, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दू तो मेरा जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ाओ टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम करो टेम्परेचर कम होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो। ये चार्ल्स लॉ हो गया। वी बाई टी इज कॉन्स्टेंट, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, राइट। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है देखो, अगर मैं मिक्सचर लू गैसेस का, अगर एक ही कंटेनर लू उसमें थोड़ा हाइड्रोजन भी रखू थोड़ा ऑक्सीजन गैस भी रखू, राइट, तो इस मिक्सचर के प्रेशर के बारे में आप क्या बोलोगे, इस मिक्सचर के प्रेशर में आप क्या बोलोगे, इस मिक्सचर के प्रेशर में आप ऐसा बोलोगे कि सिर्फ हाइड्रोजन अगर होता वो पूरे सेम वॉल्यूम, मिक्सचर जितने वॉल्यूम में था, मान लो 1 मीटर क्यूब का डब्बे में मिक्सचर था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर 1 मीटर क्यूब के डब्बे में था, उसका कुछ प्रेशर था, राइट। अब उतने ही साइज के डब्बे में, 1 मीटर क्यूब के डब्बे में अगर सिर्फ हाइड्रोजन भरता तो उसका प्रेशर कितना था, उसको बोलूंगा मैं प्रेशर ऑफ P1, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। सेम साइज के डब्बे में, सेम वॉल्यूम के डब्बे में अगर सिर्फ ऑक्सीजन भरता तो उसका कितना प्रेशर होता, मैं बोलूंगा P2, चलो P ऑक्सीजन P2। तो ऐसा देखा गया है कि मिक्सचर का जो प्रेशर होता है ना, इन दो प्रेशर का एडिशन होता है, P इक्वल टू P1 प्लस P2, राइट। तो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, राइट। पार्शियल प्रेशर इस केस में वॉल्यूम वही रहेगा, जितने वॉल्यूम में मिक्सचर है उतनी वॉल्यूम में इंडिविजुअल गैसेस रखेंगे तो उनके प्रेशर। तो पीवी इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 इंटू RP, ऐसा देखा गया है। और आप इसको अगर एक्सपांड करोगे तो आपको मिलेगा μRT/V, μ2RT/V, और V वो क्या है, वो पार्शियल प्रेशर है। तो P इक्वल टू P1 प्लस P2। ध्यान में रखने की ये बात है कि वॉल्यूम सेम है, लेकिन पहले मिक्सचर था, फिर सिर्फ यह अकेला गैस, ऐसे, तो ऐसा है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल, अ वेसल कंटेन 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, एक वेसल है जिसमें 16 ग्राम हाइड्रोजन है, एक सब 28 ग्राम ऑक्सीजन है, राइट, एट स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या रहेगा, ठीक है, राइट। तो अभी एक डब्बा है उसमें दोनों गैसेस हैं, ये वेसल है उसमें दोनों गैसेस हैं, मान लो ये ऑक्सीजन है और ये आपका दूसरा गैस है, ये दूसरा गैस है, राइट, दूसरा गैस है। तो मुझे चाहिए इसका वॉल्यूम, राइट। तो मैं क्या करूंगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाऊंगा, पीवी इक्वल टू, पूरे मिक्सचर के लिए लगा रहा हूं मैं वो इक्वेशन, हम मान के चल रहे कि ये मिक्सचर जो है वो आइडियल गैस के जैसा बिहेव करता है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाऊंगा, राइट। अब मुझे पता है जो मिक्सचर है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जब बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन पे है 0 डिग्री, और प्रेशर जो है वो 1 ATM पे है, विच इज 10^5 पास्कल, 10^5 पास्कल। अब मेरे को उस मिक्सचर का प्रेशर पता है, उस मिक्सचर का टेम्परेचर पता है, राइट, और उस मिक्सचर का वॉल्यूम ढूंढना है। एन और आर नहीं पता, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसका टेंशन मतलब वो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। रही बात
वी की, राइट, वी निकालना है। तो अब एन का क्या करें, एन का क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स किसके लू, हाइड्रोजन या इसके, दोनों का एडिशन करेंगे, ये भी है, राइट। तो 16 ग्राम में कितना हाइड्रोजन है, मास ऑफ हाइड्रोजन मेरा 16 ग्राम है, तो 16 मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में रहेगा H2, एन ए दो दो, एन ए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N1 बोल लो, तो 16/2 8 मोल्स है, 8 मोल्स हाइड्रोजन के हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन के कितने आएंगे, O2 कितना होता है 32, और अपने पास कितना है 128, तो 32 × 4 128, राइट, तो 128/32 4 मोल्स। देखो O16 है लेकिन O2, देखो हाइड्रोजन गैस बोला है, ऑक्सीजन गैस है, राइट, गैस की बात चल रही है, तो वो O तो O के फॉर्म में तो रहेगा नहीं, O2 के फॉर्म में रहेगा, H तो रहेगा नहीं, H2 के फॉर्म में रहेगा, राइट। तो 4 मोल 8 मोल, तो ये जो N है ये मेरा होगा N1 + N2, ये होगा 12 मोल्स। तो अब मैं बोलूंगा चलो V क्या है मेरा, NRT/P, अब मैं रखूंगा वैल्यूज, अब मैं बोलूंगा चलो N कितना है, 12 मोल लिया मैंने, नंबर ऑफ मोल होता है ना इस इक्वेशन में, R क्या है 8.314, P क्या है 273 केल्विन, राइट, और P क्या है 10^5 पास्कल, राइट, क्या आ जाएगा इसका आंसर, राइट, तो इसका आंसर आ जाता है आपका, आप करो कैलकुलेशन, राइट, आई विल सेव सम टाइम देयर, इसका आंसर C आता है cm³ में, राइट, इसका मीटर क्यूब में आंसर आएगा, आपको cm³ करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा C ऑप्शन 27 × 10^4 cm³, ठीक है, ठीक है। देखो सिंपल है, 12 × 96, 12 का 0.314 एने लगभग 1/3 पकड़ लो, एने 4 30, राइट, एने 96 + 3 = 4 100 पकड़ लो अप्रोक्सीमेट, ऑप्शंस दूर दूर है, तो इसको आप 100 पकड़ के चल सकते हो, राइट, अगर ये 100 है तो ये 10³ हो गया, राइट, 10³ हो गया, राइट, एंड ये 273 × 10^-3 हो गया, राइट, एंड आप उसको कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकते हो, राइट, इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है। चलो अगला देखते हैं, तो ये क्वेश्चन बोलता है अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैज वॉल्यूम ऑफ 2000 cm³, टेम्परेचर 300K, प्रेशर 100 kPa एंड मास 0.76 ग्राम, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर विल बी, टेक R इज इक्वल टू 8.3 स्टैंडर्ड वैल्यू है, पार्शियल प्रेशर का क्वेश्चन है, राइट, उसमें मिक्सचर है, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और आपको नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो पूछा है और आपको मास भी दिया है, तो एक पार्शियल प्रेशर से आप इक्वेशन बनाओगे और एक मास से बनाओगे, चलो देखते हैं कैसा कैसा। देखो आपको दिया गया है, आपको ये पता है जो पी ऑफ मिक्सचर जो होता है वो होता है P1 + P2, इस केस में दो है इसके लिए दो ही लिख रहा हूं, P1 + P2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन राइट। तो पार्शल इसका पूरा का पूरा दिया है 100 kPa, तो ये मेरे को पता है 100 × 10^3 pascal, P1 क्या आएगा, हाइड्रोजन का पकड़ लो, मान लो हाइड्रोजन का 1 है, तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स, राइट, प्लस चलो NH कर लेते हैं, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स, NRP क्या होगा, NRT/V, PV = NRT, तो P = NRT/V, NR। देखो और एक चीज समझनी जरूरी है, मिक्सचर में टेम्परेचर सब सेम होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग भले ही है, उनके पार्शियल प्रेशर से अलग रहेंगे लेकिन उनका टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, अगर टेम्परेचर सेम नहीं होता तो अपना जो हमने हीट पढ़ा है, राइट, कंडक्शन रेडिएशन कन्वेक्शन करके वो हीट ट्रांसफर करके सेम कर ही देता था, तो वो टेम्परेचर उनका सेम रहता है, राइट, तो टेम्परेचर NRT
बाय वी। वी सेम है, एक ही वेसल है ना, डब्बा तो एक ही है, गैस तो पूरे डब्बे का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उतना रहेगा प्लस एन ऑफ ऑक्सीजन आर टी सेम बाय वी, ये रहेगा। तो ये हो गया मेरा 10^5, पकड़ लो इधर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू, इसको एक कॉमन निकाल लेते हैं आर टी बाय वी, आर है 8.314, टी है 300, आर टी बाय वी, वी कितना दिया है 2000 सीएम क्यूब, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2000 सीएम क्यूब, तो मीटर क्यूब में 10^-6 हो जाएगा। ये कॉमन निकाला है मैंने और NH प्लस NO इधर आएगा, राइट। इससे मेरे को एक इक्वेशन मिलेगा और मास दिया है 0.76, उससे अनदर बना लेता हूं, काम खत्म, है ना। तो देखो क्या क्या है, ये हो गया 2500, इसको आप जनरली याद रख सकते हो, ये यानी अगर बहुत ही पास पास में ऑप्शन है तो त्रास होगा, बट अदरवाइज आप इसको 2500 अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। 2500 डिवाइडेड बाय 2000 कितना आएगा, 25 बाय 20 कितना आएगा, 1.25 इंटू 10^6 पकड़ लो, तो 10^5 इज इक्वल टू 10^6 इंटू 1.25, और ये हो गया मेरा NH प्लस NO, राइट। तो ये बचा सिर्फ 10 यहां पे, राइट। तो NH प्लस NO कितना हो गया मेरा, 1/10 और 12.5, 12.5 है ना, राइट। सब अपॉन 12.5 होता था तो 8 होता था, 12 8 96 और वो, राइट, वी नो दैट। तो ये आ जाएगा मेरा 0.08 मोल, राइट, NH प्लस NO दोनों मिला के इतने आया। और एक इक्वेशन बनेगी, मेरे को मास दिया है 0.76 ग्राम, तो मास क्या होगा, टोटल मास ऑफ मिक्सचर वो होगा मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो ये है 0.76, मास क्या होगा, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना, हाइड्रोजन गैस 2, कितना है उसका मोलर, उसके नंबर ऑफ कितने आए हमारे पता नहीं हमको, तो NH पकड़ लो, अच्छा O, चलो ये H और ये O कर देते हैं ना, तो ये कितना आ गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन का मोल्स, प्लस इसका कितना है ऑक्सीजन का 32, और कितने मोल है उसके पता नहीं, NO कर देते हैं। इससे एक इक्वेशन मिल गया, चलो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 0.38 इज इक्वल टू NH प्लस 16 NO। अब ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखता हूं, 0.08 इज इक्वल टू NH प्लस NO। अब एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 15 NO इज इक्वल टू 0.30, राइट। तो मेरे को मिल गया ऑक्सीजन का ये नंबर ऑफ मोल्स, और हमको ढूंढना क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। तो ठीक है, चलो NO तो मिल गया, NO आ गया मेरा 0.30/15, है ना। तो फिर मेरा NH क्या आ जाएगा, वो वैल्यू रख देते हैं, तो NH जो आएगा वो आएगा 0.08 माइनस NO, राइट। तो NO कितना आया, अच्छा इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, है ना, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, या फिर इससे इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर ही लेते हैं ना, कर ही लेते हैं, तो 30 15 2, राइट, 2 और कितने डेसिमल प्लेसेस, 2, तो 0.02, है ना, तो 0.02, तो ये हो गया 0.06। तो रेशियो कितना आएगा NH बाय NO, 0.06/0.02, 3 होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन बी होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं पर रुक जाते हैं, अगर कुछ सजेशंस है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।